मजा आएगा ना भिड़ो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वेलकम है फिर से सभी का, बहुत बहुत वेलकम आज किसी नए वीडियो में। सुबह सभी के ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वीकेंडी 2.0 की कुछ हाईलाइट दिखाने वाला हूँ कि वीकेंडी 2.0 के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होने वाली है। जैसे कि ट्रेन को तो आप सभी लोग जानते हो, लेकिन ट्रेन के अलावा भी पबजी मोबाइल वीकेंडी 2.0 के अंदर में और भी काफी सारी ऐसी सीक्रेट चीजें आप लोगों को दिखाने वाला है जो कि आप लोगों ने अभी से पहले बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। तो अगर आप लोग वीकेंडी लवर हो, आपको वीकेंडी मैप बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप लोग ये वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये वाली वीडियो के अंदर में जो जो चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी वो हो सकता है आप लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखी होंगी। तो चलिए जल्दी से ये वाली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं, काफी सारे लोग इधर सोचेंगे कि भाई तेरे को कहां से पता चलेगा कि वीकेंडी 2.0 में ये सारी चीजें होने वाली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर पबजी वाले के अंदर कोई भी चीज आती है तो वो सबसे पहले वो पबजी पीसी के अंदर में आती है, उसके बाद में चाइनीज वर्जन में, देन आप लोग के ग्लोबल वर्जन के अंदर आती है। तो हम लोग का जो वीकेंडी 2.0 है वो पबजी पीसी के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है, एंड उसे देख करके आप लोग इधर अंदाजा लगा सकते हो कि वीकेंडी 2.0 में आप लोग क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप लोग पबजी पीसी नहीं खेलते हो, नहीं पता उसके बारे में, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, आप लोगों को मैं बताऊंगा एक एक करके कि क्या क्या चीजें बदले, क्या क्या चीजें नई ऐड होने वाली हैं वीकेंडी 2.0 में। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके पैच नोट्स दिखा देता हूं, यानी कि जब पबजी पीसी के अंदर में ये वीकेंडी 2.0 आया था तो उसके पैच नोट्स के अंदर कुछ हाईलाइट पॉइंट बताए गए थे जो कि हमारे पबजी मोबाइल के लिए भी सिमिलर रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं वो चीज दिखाता हूं, एंड उसके बाद में हम लोग इसका गेम प्ले देखेंगे कि किस तरह की ट्रेन वगैरह बाकी सब चीजें रहने वाली है। और बेसिकली अगर आप लोग ये वाले पैच नोट्स को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से पढ़ सकते हो। तो उधर लिखा हुआ वीकेंडी इज बैक, एंड सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने बताया कि ट्रेन जो है उनको ऐड कर दिया गया है, वो आप लोगों को चलते फिरते कहीं भी ट्रैक के ऊपर में वीकेंडी मैप के ऊपर नजर आ जाएंगी। उसके बाद में आगे इन्होंने ये भी बताया कि जो ट्रेन है वो ऑटोमेटिक आप लोग के स्टेशन के ऊपर में रुकेगी, एंड थोड़े टाइम बाद वहां से चलना स्टार्ट कर देगी। एंड इधर इन्होंने ये भी बताया वीकेंडी मैप के अंदर में टोटल में जो है इधर 6 ट्रैक्स होंगे जो कि आपस में इधर उधर कनेक्टेड होंगे, जहां से आप लोग इजिली इधर उधर जा सकते हो ट्रेन में बैठ करके। आगे इनका कहना यह भी है कि इन्होंने रिड्यूस कराया स्नो कवर को, यानी कि आप लोगों को पता होगा पहले वीकेंडी मैप के अंदर आप लोगों को पूरे में बर्फ ही बर्फ नजर आती थी पूरे के पूरे में, लेकिन ऐसे में इन्होंने थोड़ी सी बर्फ को जो है कम कर दिया, एंड पहले के मुताबिक आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा आप लोग इधर देख सकते हो इन्होंने स्नो बाइक एंड स्नो मोबाइल्स हैव बीन रिमूव्ड, इनको इन्होंने कोई व्हीकल को जो है रिमूव भी करा है। इसके बाद आप लोग आगे देख सकते हो वेदर जो आप लोगों का होगा वो क्लियर होगा या फिर ऐसा बर्फीला जैसा होगा जहां पर बर्फ पड़ रही होगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन आप लोगों को पता होगा जैसे पहले इनका एक मून लाइट वाला वेदर होता था जिसमें अंधेरा हो जाता था, रात जैसी हो जाती थी, वो वाले वेदर को इधर इन्होंने रिमूव कर दिया है। उसके अलावा इन्होंने आगे ये भी बताया कि ये वाला जो हमारा मून लाइट वाला जो वेदर है इसको ये वापस से एक बार फिर से ऐड करेंगे, इसके अंदर में काफी सारे इंप्रूवमेंट करेंगे, उसके बाद में इसको ऐड करा जाएगा एक नए तरीके से। इसके अलावा आगे इन्होंने ये भी बताया जनरल मैप जो है इन्होंने ऑप्टिमाइज कराया पूरा का पूरा। उसके अलावा आगे ये भी बता रहे हैं यू कैन प्ले द अपडेट वीकेंडी, आप लोग इस वीकेंडी मैप को जो वीकेंडी 2.0 होगा उसको आप लोग कस्टम मैचेस के अंदर भी खेल पाओगे। उसके अलावा आप लोग इधर देख सकते हो एक न्यू कार्गो डिपो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो कि ऐड करा जाएगा। पहले लोकेशन ऐसी थी लेकिन उसके बाद में देख सकते हो पूरा का पूरा उसका डिपो बना दिया है, एंड इसके अंदर आप लोग काफी सारे कंटेनर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो अगला चेंज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा वो है डायनो पार्क के अंदर। डायनो पार्क गाइस पहले काफी ज्यादा छोटा था, इसको रिप्लेस करके एक बहुत बड़ा डायनो लैंड बना दिया गया है। मैं सोच रहा हूँ जैसे वीकेंडी 2.0 आ जाए तो डायनो लैंड के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना करके आप लोग इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर उसके ऊपर मैं हम प्रॉपर वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा आप लोग इधर देख सकते हो एक लोकेशन थी आप लोगों की ऐप भी, जिसको इन्होंने रीलोकेट कर दिया है माउंट क्रेजिंग के अंदर में। जैसे कि आप लोग इमेज के अंदर में देख ही सकते हो पहले ऐसा था उसके बाद में ऐसा कर दिया गया है। बाकी आप लोग अभी आगे गेम प्ले देखोगे तो आपकी समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा आप लोग की एक लोकेशन और थी जिसका नाम था टॉवर करके, और दूसरी लोकेशन थी जिसका नाम है मोव तारा करके था। तो मैं आप लोगों को बता दूं इन दोनों ही लोकेशन को रिमूव कर दिया गया, जैसे कि आप लोग नीचे इमेज के अंदर देख सकते हो बिफोर और आफ्टर दोनों तरफ मैं आप लोगों को चीजें दिखा रहा हूं। इसके अलावा आप लोग इधर भी देख सकते हो दूसरे एंगल से भी, तो इसको पूरा टोटली रिमूव कर दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गेम प्ले के बारे में, एंड उसके अंदर आप लोगों को काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों की अभी और क्लियर होना बाकी है, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि वीकेंडी 2.0 में और क्या क्या चीजें आने वाली है। एक बार गेम प्ले देखो फिर आप लोगों को मजा आएगा। और कैसे जो मैं आप लोगों को गेम प्ले दिखा रहा हूं उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है वैकी जैकी को, तो उनके चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उनको भी सपोर्ट दिखा देना। तो जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में बताया कि स्नो जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, एंड आप लोग देख सकते हो काफी हद तक स्नो काफी कम हो चुकी है, एंड वीकेंडी मैप के अंदर काफी सारी जगह पर आप लोगों को रेलवे ट्रैक्स भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आप लोग जो स्नो है वो क्लियर होने की वजह से आप लोगों को अब इसको खेलने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था मैप के अंदर में आप लोगों को ट्रैक नजर आएंगे, तो जो आप लोग ब्लू कलर से देख रहे हो वो हमारे सारे के सारे ट्रैक है, एंड ब्लू कलर के बीच में आप लोगों को रेड कलर के जो डॉट नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे रेलवे स्टेशन है, जहां पर अपनी जो ट्रेन है वो ऑटोमेटिक जाकर के रुक जाएगी। ट्रेन को आप लोग खुद से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो, तो जो हम लोग की ट्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन स्टेशन पर ही रुकती है, उसके अलावा ट्रेन कहीं पर भी नहीं रुकती। आप लोग रोकने की भी कोशिश करोगे तो आप लोग इसको नहीं
रोक पाओगे, लेकिन आप लोग इस ट्रेन के अंदर में चलते हुए में भी आप लोग इजीली इधर चढ़ सकते हो, क्योंकि आप लोग के पास में लेज ग्रैब वाला फीचर है जिससे आप लोग इजीली क्लाइंब करके इस ट्रेन के अंदर चढ़ सकते हो। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ट्रेन के अंदर से, एंड काफ़ी बड़ी बड़ी आप लोग को विंडोज़ मिल जाती है जिनके थ्रू आप लोग इजीली एनिमी के ऊपर में फायर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग को छोटा मोटा एंगल मिलता है, आप लोग के पास में अच्छा खासा एंगल मिल जाता है। और बाकी आप लोग अगर ट्रेन में और एनिमी से फाइट करो तो ऐसे में आप लोग प्रोन भी हो सकते हो, क्राउच भी हो सकते हो, जिससे कि आप लोग अपनी सेफ्टी कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग काफ़ी सारे ब्रिज भी देखने के लिए मिलेंगे जहाँ से आप लोग की ट्रेन जो है वो पास होगी कुछ इस तरह से, और ऊपर की तरफ स्मोक भी छोड़ते हुए जाएगी तो काफ़ी अच्छी चीज़ वो भी लगती है। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया डायनो लैंड, जो आप लोगों का डायनो पार्क है उसकी जगह पर डायनो लैंड आ जाएगा, और डायनो लैंड एक बार आप लोग चेक करो, लिटरली गाइस ये सबसे बड़ी जगह रहने वाली है जैसे कि आप लोग इधर देख पा रहे हो। और जैसे कि आप लोग याद होगा वीकेंडी के अंदर आप लोग एक म्यूजियम देखने के लिए मिलता था, तो इसके अंदर जो आप लोगों को म्यूजियम देखने के लिए मिल रहा है लिटरली गाइस वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। अभी मैं आप लोगों को वो चीज़ भी दिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले अगर आप लोग बाहर की कुछ चीज़ें देखोगे तो पूरा का पूरा क्या ही बनाया, मतलब लिटरली ये चीज़ माननी पड़ेगी। तो आप लोग खुद ये चीज़ देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है आपका हमारा डायनो लैंड। इसके अलावा आप लोग इधर जो रोलर कोस्टर वाली जो हमारी राइड होती है इसके ऊपर भी आप लोग इजीली चढ़ सकते हो, जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो कुछ इस तरह से आप लोग जाकर के इसके ऊपर क्लाइंब कर सकते हो, एंड इसके बाद में आप लोग सीधे सीधे अगर जाते हो तो आप लोग इस पूरे के पूरे जो पहाड़ है इसके ऊपर में चढ़ सकते हो, एंड इधर अगर आप लोग के पास में कोई भी स्नाइपर है तो ऐसे में आप लोग वो वाली स्नाइपर से इधर इजीली एनिमी को काफ़ी अच्छे अच्छे हेडशॉट लगा सकते हो, जैसे कि आप लोग इधर देख पा रहे हो कितना ही कमाल का एंगल मिल रहा है इधर बैठ करके। इसके अलावा मैं आप लोग एक चीज़ और बता दूं, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि आप लोग को इधर जो है काफ़ी सारी लोकेशन चेंज होंगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाली भी एक उन्हीं में से एक लोकेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है चेंज होने के बाद। इसके अलावा मैंने आप लोग को बताया था आप लोग को कार्गो डिपो देखने के लिए मिलेगा, तो वो यही वाली लोकेशन है जिसमें आप लोग देख सकते हो आप लोग को सारे कंटेनर देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर मालगाड़ी भी है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, एंड यहाँ पर एक सीक्रेट लोकेशन भी है जिसके ऊपर में बहुत जल्द एक प्रॉपर वीडियो आएगी। और वो जो सीक्रेट लोकेशन है उसका रास्ता मैं आप लोग को बता दूँ कंटेनर के अंदर से होके जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट वाली लोकेशन है, तो इसकी वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो नीचे कॉमेंट में जरूर बता देना। इसके अलावा आप लोग काफ़ी सारी जगह पर कुछ इस तरह की छोटी मोटी लोकेशन भी देखने के मिलेंगी। वीकेंडी मैप देखो टोटली चेंज हुआ है, पूरा मैप चेंज हुआ है, जिसके अंदर आप लोग अगर विला की बात करते हो तो विला में भी आप लोग काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा गाइस लिटरली काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है जब हम लोग ट्रेन के साथ में मस्ती करेंगे, मतलब ट्रेन को रोकने की कोशिश करेंगे, एंड इस वीडियो के अंदर भी आप लोग कुछ छोटे मोटे ऐसे सीन देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें ट्रेन को रोकने की कोशिश करी जाती है, और ऐसे में होता क्या है गाड़ी सारी की सारी ब्लास्ट हो जाती है, बट वो वाला रिएक्शन आप लोग खुद से देखना भी क्या रिएक्शन आता है जब हम लोग इस ट्रेन को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर आप लोग बाइक को लेकर के जाते हो ट्रेन के अंदर में तो बाइक क्या होगी, बाइक को अगर आप लोग जैसे ही बैठ जाओगे लेकिन जैसे ही एग्जिट करोगे ना बाइक आपकी खुद ही खुद पीछे की तरफ में भगने लग जाएगी। तो जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो मैं बाइक को लेकर के आगे जा रहा हूँ, जैसे ही हम लोग एग्जिट कर रहे हैं तो हमारी बाइक अचानक से गायब हो जाती है और पीछे जाकर के चिपक जाती है, और मतलब लिटरली गाइस जब गॉडज़िला कॉन्ग वगैरह जैसी चीज़ें आती है तो हम उनसे काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक करते रहते हैं। अब तो भाई साहब ट्रेन आ रही है पूरी की पूरी, तब तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। बाकी ड्रॉप की बात करते हो, अगर रेलवे ट्रैक के बीच में ड्रॉप आ जाता है तो कुछ इस तरह से आप लोग की ट्रेन जो है उसको बीच में से निकल जाती है, एंड ड्रॉप को भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना ही ट्रेन को कोई फर्क पड़ता। बाकी अगर काफ़ी सारे ड्रॉप एक साथ भी गिर जाते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी आपकी ट्रेन नहीं रुकने वाली। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया ट्रेन आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ स्टेशन पर रुकेगी, उसके अलावा ट्रेन आपकी कहीं पर भी नहीं रुकने वाली है। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में एक सवाल और आता होगा, अगर हम BRDM को आगे खड़े कर देंगे और फिर ट्रेन आएगी तो ऐसे में क्या होगा, तो आप लोग खुद रिएक्शन देख सकते हो, उधर काफ़ी सारे BRDM है, एक दो नहीं कम से कम 25-30 BRDM है, और उसके ऊपर से भी अगर ट्रेन चली जाती है तो ट्रेन लिटरली रुकने वाली नहीं है, और सारे के सारे BRDM आप लोग देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर तबाही हो चुकी है, सारे के सारे BRDM जल करके बिल्कुल राख हो चुके हैं, लेकिन भाई ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही है। और मतलब लिटरली गाइस ये सारी की सारी चीज़ें देख करके बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है भाई, मन कर रहा है वीकेंडी 2.0 अभी के अभी आ जाए PUBG Mobile के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं वीकेंडी 2.0 आप लोगों को 1.5 के अपडेट के अंदर 110% देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए गाइस अभी के ये वाले वीडियो के अंदर में सिर्फ इतना ही था, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर ही देना, क्योंकि भाई बहुत कमाल की चीजें मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर में बता दी है। तो चलिए गाइस अभी के ये वाले वीडियो के अंदर में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूं सबसे एक बड़े सी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।